तो फाइनली रोज की तरह मैं आज फिर अपने सैलून जा रही हूँ और मेरे ड्राइवर भाई साहब आज नहीं आए हैं, वो छुट्टी पे हैं, शायद उन्हें कुछ काम है। तो मैंने सोचा कि चलो बाइक से ही चलते हैं सैलून। तो जाने से पहले मैं अपनी डॉटर को बाय कर दूँ। बाय बेटा। बाय मम्मा। आज भी आज जल्दी आ जाइएगा, रोज तो मेरा क्लास रहता है, आज तो जल्दी आ जाइएगा। कैसे रिक्वेस्ट कर रही है बेटा तुम? तो कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? मैं तो आ जाती हूँ बेटा 12 बजे तक, तो 11 बजे तक तो मैं आ ही जाती हूँ। लेकिन तब तक तो मैं सो जाती हूँ ना। तुम सो जाते हो? अच्छा, आज मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। और मेरे लिए कुछ स्नैक्स और टेडी बियर लेके आइएगा। तो इसमें स्नैक्स और टेडी बियर लेकर आऊंगी। ओके, क्या? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क और केक, पेस्ट्रीज और भी बहुत कुछ। और भी बहुत कुछ? हाँ। तो इतनी सारी चीजें रात को 11 बजे कैसे मिलेंगी? मैं क्या शॉप खुलवाऊंगी उनका? तो आप जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, मैं जल्दी आ जाऊँ इसलिए इतनी सारी फरमाइश है। चलो हाँ। मैं ट्राई करती हूँ। ओके बाय बेटा। बाय मम्मा। अपनी फ्रेंड के साथ अच्छे से खेलना बेटा, गेट लॉक कर लो। ओके बाय मम्मा। बाय। चली गई घर के अंदर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं अपना सैलून। और ड्राइवर जी तेरा बाइक स्टार्ट कीजिए। पता है हस्बैंड को मक्खन मार रही हूँ, हस्बैंड को थोड़ा सा मना मना के बोली कि चलिए आप ही मुझे छोड़ दीजिए। टाटा। ओके ओके टाटा, बहुत दूर से टाटा कर रही है, दूर से। बाय बेटा। बाय बाय बाय। बेल्कनी में खड़े होकर के वो टाटा कर रही है। तो वैसे बाइक राइडिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बेसिकली ज़्यादातर बाइक पर जाना ही पसंद करती हूँ। तो क्या होता है ना कि बाइक पर अगर हम जाते हैं तो बहुत खुले में मज़ा आता है बाइक पे जाने में, और मुझे बहुत इंजॉय महसूस होता है। वैसे भी बहुत अच्छा वेदर है, यहाँ का वेदर इंजॉय करते करते मैं बाइक पे जा रही हूँ। और अब चलो सैलून पहुँच के फिर से मैं मिलती हूँ। वजह से मैंने अपने क्लाइंट को उस रूम में बिठाया है, तो चलो देखते हैं कि अभी क्लाइंट क्या सर्विस लेना चाहती है, जिनके लिए मैं स्पेशली आई हूँ इतने दूर से। ये हमारा छोटा सा रूम है जो हमारा मेकअप रूम था, उसे अभी मैंने टेम्पररी ये अपने क्लाइंट्स के लिए ये वाला रूम को प्रिपेयर किया है। और इसमें बहुत कम सीट है, सिर्फ 2 सीट आप देख सकते हैं क्लाइंट के काम के लिए मैंने, और ये दोनों आई हैं तो स्पेशली मैं इनके लिए ही आई। तो फर्स्ट चलिए इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं। हम संगीता, संगीता हालदार फ्रॉम बेलेघाटा। আমি দিদির ভিডিও দেখেই এসেছি, কারণ আমার বাড়ি ব্যারাকপুরে। রিসেন্টলি ভিডিওটা দেখে আসলাম দিদির কাছে সার্ভিস নিতে, এন্ড দেন দিদির থেকে সার্ভিস নিই, দেন স্টিল আপনাদের আবার ফিডব্যাক দেবো কেমন লাগলো সার্ভিস। কি সার্ভিস নিতে এসেছো সেটা তো বলো। সার্ভিসটা হচ্ছে আমার প্রচন্ড ওপেন পোর্টস, ব্ল্যাক হেডস, তো আমি সেই কারণে ওপেন পোর্টস এবং ব্ল্যাক হেডস রিমুভের জন্য দিদির কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে এসেছি। আর আমি স্পেশালি ওনার জন্যই এসেছি, ওনার জন্য আর ইনের জন্য দুজনের জন্যই স্পেশালি এসেছি, বিকজ আমি কাল মানে ভ্যাকসিন লিয়া থা, তো ভ্যাকসিন কে লিয়ে মেরে হাতো মে দর্দ ভি হ্যায়, রাত মে ফিভার ভি আয়া থা, লেকিন মে স্পেশালি ইনকে লিয়ে হি আই হুঁ। তো মে কোশিশ করুঙ্গি ইনকো আচ্ছে সে আচ্ছা সার্ভিস দেনে কে লিয়ে, ক্যুঁকি ইনে ভি থোড়া অ্যাডজাস্ট করনা পড় রাহা হ্যায়, আপকো পতা হ্যায় ক্যুঁকি অভি উস ওয়ালে রুম মে হামারা রেনোভেশন চল রাহা হ্যায়, আর ইস রুম মে বহুত মুশকিল সে মে অ্যাডজাস্ট কর রহি হুঁ, সাথ হি সাথ মেরে होपफुल कि मेरे क्लाइंट भी एडजस्ट करे मेरे साथ में और ऐसा करते हैं। सो लेट अस इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट क्लाइंट। आई एम रूमा पुद्दार, मैं लीलवा से आई हूँ दीदी से अपने बालों में हेयर कलर हाइलाइट्स करवाने के लिए। पहले मेरा हाइलाइट्स होता है, उसके बाद मैं अपना बताऊंगी कि कैसा मेरा हुआ, फीडबैक अपना शेयर करेंगे, कैसा लगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेकर आई थी। तो चलिए पहले चूज करवा लेते हैं कि ये कौन सा कलर
करना पसंद करेंगी। तो आप शेड चार्ट आप देख सकती हैं, तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, लेकिन सभी कलर आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, लेकिन सभी करना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से चूज कर सकती हैं, आपको पैशन कलर में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सारे देखिए, ये सारे टाइप में चाहिए, हाईलाइट चाहिए ना, तो ये सारे जो है ये सारे न्यूट्री कलर है। आप मुझे सजेस्ट करिए कि मेरे फेस अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगेगा। ओके, मैं जरूर आपको सजेस्ट कर देती हूँ। तो आपको पहले ये बताइए, आपको हाइलाइट्स में चाहिए या फिर बेस कलर में? पूरा चाहिए मेरे को, पूरा बाल में, मतलब ग्लोबल में फुल कलर चाहिए, ग्लोबल कलर चाहिए। तो ग्लोबल दिखना चाहिए। ओके, कलर दिखना चाहिए, मतलब विजिबल चाहिए, थोड़ा वाइब्रेंसी चाहिए कलर में। तो आपको कौन सा, ब्राउन शेड में? ब्राउन शेड में, लाइक मैं ब्राउन शेड में अगर करूँ तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना? तो ठीक है, चलिए ब्राउन शेड में इनको पसंद है, तो मैं इनसे एक बार कलर डिस्कस कर लेती हूँ, फिर से वापस मैं अपडेट करती हूँ कि ये कौन सा कलर इन्होंने एग्जैक्ट पसंद किया। तो फाइनली मेरे क्लाइंट ने कलर पसंद कर लिया है, और अब मैं इनका हेयर कलर करने जा रही हूँ, साथ ही साथ इनका बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम हेयर कलर को मिक्स कर लेंगे, फर्स्ट हम कलर अप्लाई करेंगे इनके हेयर में, देन उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि इनके हेयर में किसी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, हेयर ड्राई ना हो, डैमेज ना हो। और ट्रीटमेंट के जरिए इनके जो भी हेयर डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, वो डैमेज हेयर जो लेकर आई है वो मैं उसे रिपेयर कर सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर कलर से। तो अब कलर हमने स्टार्ट किया हेयर में सेक्शन वाइज, और इसके बाद फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगी। उन्होंने कहा था कि इनका सर्विस टोटल कंप्लीट होने के बाद, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही अपना फीडबैक आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हमार स्किन आगे थे अनेकटा ग्लोइंग हो, एक छोट ट्रीटमेंट निलम एक्सपेक्टेशन बाहरे ही से आई खूब हैप्पी। एंड अपनारा सबाई आसुन এবং ট্রিটমেন্ট করেন, হোপফুলি আপনারাও খুব স্যাটিসফাই হবেন। থ্যাংক ইউ। আর আপনি মানে কি প্রফেশনে আছেন সেটা সবাই জানতে চায়। আচ্ছা, আমি আমি হরাইজন হসপিটাল কলকাতায়, আমি ডক্টর প্রণব কুমার বিশ্বাস, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট গাইনোকোলজিস্ট। थैंक यू। सो इन्होंने अपना फीडबैक शेयर कर दिया है आप सभी के साथ। अगर आपको भी इनका कैसा लगा ट्रीटमेंट, आपको किस हद तक सक्सेसफुल लगा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। अवश्य ही पठिए देबो, अवश्य हमें बाड़ी गिए हमें अखन ट्रेने उठा इस फीडबैक दिए देबो, ट्रेने उठी उठे हमें फीडबैक दिए देबो। ओके, थैंक यू। तो फाइनली मेरी ये भी खूबसूरत वो डिम्पल वाली क्लाइंट का हो चुका है। मैंने लास्ट टाइम फेस दिखाया था कि फेस देख लो, मैं लड़की चेंज नहीं कर रही, तो फिर से एक बार फेस देख लो। इनका कलर हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, और ये प्यारा सा डिम्पल भी देखना, दिखा दो एक बार। तो ये अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्हें कैसा लगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने हेयर से बहुत खुश हूँ। मैं जैसा चाह रही थी वैसे ही कलर मुझे दीदी ने दिया है कल, मैं बहुत खुश हूँ। और दीदी के पार्लर में वैसे भी काम चल रहा है, पार्लर छोटा हो या बड़ा हो उससे कुछ मैं ये नहीं, काम बहुत अच्छा है, काम मायने ज्यादा रखता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। फाइनली रात के 11 बज चुके हैं, और अभी मैं अपना शॉप क्लोज करके अब घर जा रही हूँ, और मेरा पक्का वाला ड्राइवर बाइक स्टार्ट कर लिया मेरे हब्बी जी। इनसे अच्छा ड्राइवर कौन हो सकता बोलिए। तो इसी के दो फायदे होते हैं, एक तो पैसे भी बचेंगे और टाइम पे अच्छा सर्विस भी मिलता है। तो चलो, अभी हमारा शॉप अब क्लोज हो चुका है, 11 बज गए हैं, और सारे क्लाइंट्स अभी जस्ट मैंने सारे क्लाइंट्स को भेज दिया, सभी क्लाइंट्स जा चुके हैं, और लेकिन अभी भी बाकी है। मेरी बेटी के लिए कुछ स्नैक वगैरह उसने फरमाइश किया था, तो सारे शॉप क्लोज हो चुके हैं, स्नैक तो मुझे नहीं मिलने से रहा, तो सोचती हूँ कि चलो किंडर जॉय लेना बेस्ट होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताना तो मुझे कि किंडर जॉय पसंद है या केक पेस्ट्रीज पसंद है आपके बच्चों को जो शादीशुदा है। फिलहाल मेरी बेटी को किंडर जॉय भी बहुत पसंद है, तो पटाने के लिए किंडर जॉय लेकर जाऊंगी घर। चलो सी यू, बाय। बाइक में बैठते हैं। सारा शॉप क्लोज हो चुका है, पता है इतना लेट हो गया ना। बाइक में बैठ गए पक्के वाले ड्राइवर के साथ, ये देखो बैठ जाओ, ये भी बोले पीछे बैठ जाओ, बताओ देखो इतनी मतलब मोटी तगड़ी है, इतना मोटा मोटा बैठ के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो हो गया हो गया हो गया।